हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगर ए की वैल्यू ये है तो बताओ ए और ए की टी का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो पहले अपने को ए दे रखें, कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब अपने ए की टी निकाल लेंगे, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 × 2 की है तो 2 × 2 की बनेगी। ये बहुत बार कर चुके हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है। तो देख रहे होगे आप, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा टू का I2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है ये, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो इक्वल में जीरो दे रखे, तो अपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितने इंटू कितने की है, ये है 1 × 3 की, और ये कितने इंटू कितने की है, 3 × 3 की, तो 1 × 3 की बनेगी। इट मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, एक्स इंटू 4 4x, 1 × 3 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ये वैसे का वैसे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, और आगे और सोल्व कर लेंगे इसको। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो, अब ये 1 × 3 की है, ये 3 × 1 की है, तो 1 × 1 की बनेगी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 32x + 36 = 0, तो 32x = -36, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -9/8, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अगर बी की वैल्यू ये है तो ये इक्वेशन प्रूफ करके दिखाओ, b² - a + db = आना चाहिए, bc - ad I2। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो पहले LHS में अपने को b² चाहिए, तो b को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया, ये तो आ गया b². अब LHS में अपने को क्या चाहिए, b² - a + d × b, तो ये b² है, ठीक है। a प्लस डी बार एक वैल्यू है, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स नहीं है, वैल्यू है, और b एक मैट्रिक्स है, तो a प्लस को पहले सारों से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर बी स्केयर वैसे का वैसे, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस ए को कर दिया ए से डी से, बी को ए से, बी को डी से, सी को डी से। अब माइनस कर देंगे, देखो इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो आप देखो ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, बी डी से बी डी कैंसिल, बी ए से बी ए कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, सी डी से सी डी कैंसिल, डी स्केयर से डी स्केयर, ये बच गया। तो क्या इसमें बी सी माइनस ए डी कॉमन आ रहा है, यस, और क्या बच रहा है, 1 0 0 1, इट मीन ये आता है I2, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए अगर अपने को दे रखा है, बी दे रखा है, तो ये वैल्यू निकाल के बतानी है, तो पहले ये अपने ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, ए कैपिटल ए की वैल्यू दे रखी है, बी कैपिटल बी की वैल्यू दे रखी है, तो पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपने निकालेंगे सेकंड वैल्यू, अब बीच में वही वैल्यू है, बस माइनस करना है, तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको ए लिख सकते हो, या ए दे रखा है तो ए लिख देना। लास्ट क्वेश्चन,
बहुत ईजी है। अगर ए ये है बी ये है तो ये प्रूफ करके दिखाओ भी ये इसके इक्वल नहीं होता। पहले अपने ए एल एच एस निकालेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए में से बी माइनस कर दो। अब इसका होल स्क्वायर करना है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अपने करेंगे आर एच एस, यानी ए स्क्वायर फिर माइनस टू ए बी फिर बी स्क्वायर, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करो फिर टू इंटू ए इंटू बी करो फिर बी स्क्वायर करो। तो करके देखते हैं, वही फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आ गया सिमिलरली इसमें। तो सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इन सारों को इकट्ठा लिख देना, थ्री माइनस टू माइनस थ्री, फोर माइनस एटीन प्लस एट, ऐसे। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख रहे हो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये अलग आ रही थी और ये अलग आ रही है, ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये पांच क्वेश्चन थे, इजी से बिल्कुल, आप खुद सॉल्व करके देखिए। अब मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखिए 2019 का पेपर है, इसमें मैट्रिक्स के कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिए। ये एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इजी सा है बिल्कुल, ठीक है। और ये फिफ्थ चैप्टर में से है मैट्रिक्स, और एक क्वेश्चन आया हुआ है मैट्रिक्स का ये वाला। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू।